अम्मी देख तो ले, अब्बू ना हो। नहीं नहीं वो ऐसे नहीं खिड़काते। मुझे लेने आए हैं। नहीं 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 गुट्टू खबरदार से तू गया, इधर ही रह। अम्मा मेरा मैच है यार, पैसे लगे हुए हैं। गुट्टू मना कर रही हूँ मैं तुझे, कोई अंदर घुसाई तो कौन जवाब देगा। अच्छा मुझे देख तो लेने दे कौन है। गुट्टू गुट्टू वापस आ जा। गुट्टू दरवाजा खोल। गुट्टू हाय लव भाभी, ये सब क्या हो गया भाभी? दरवाजे बंद किए हुए तुम लोगों ने, मोबाइल बंद किए हुए, बाहर दुनिया सर पे उठा रखी लोगों ने, व्हाट्सएप पे तूफान मचा हुआ है, किसी को जवाब तो दे। ये सच है भाभी? बड़ा बुरा किया शमी, बड़ा बुरा। ना दोस्ती का ख्याल किया, ना मोहब्बत का, ना हमसायादारी का, ना रिश्तेदारी का। भरे बाजार में पोतरे धोके लटका दिया। पाजी कुछ नहीं बोले? क्या बोलना था पाजी, खड़े सुनते रहे। मतलब ये सच्ची बात हो गई ना कि बर्बी ना बीवी है? लगता तो ऐसे ही। चलो शाबाश। क्या हो गया? तू कोई अकेली है? भास्कर पागल हो गई है, सारों के लिए परेशानी है। चल पानी पी। तुम्हें बहुत बुरा लगा होगा ना? हाँ? ना तुम उसके साथ जाना चाहती थी ना? ना बारबी ना, सच सच बताओ ना, जाना चाहती थी ना? मैंने तुम्हें उसके साथ नहीं भेजा इसलिए नहीं कि तुम मेरी बीवी हो, बल्कि इसलिए कि तुम्हें उसके साथ चले जाना चाहिए था। तुम्हें उसके साथ चले जाना चाहिए था क्योंकि तुम अगर इस घर में रही तो हमारे घर में रोज रोज इस तरह के तमाशे। करे को खैर की खबर मुंह से निकाल। ओ गैरत वालों के लिए ना मरने का मकाम ही होता है। हाँ बंदा ढीठ है तो फिर ठीक है। ऐसी हालत तो किसी मर्ग वाले कार में भी नहीं होती भाभी, उसमें भी जाके बंदा किसी को दफना देता है। अरे भाभी हाँ तो मुर्दा कफन फाड़ के निकले। पता नहीं बात कहाँ कहाँ तक पहुंची होगी। रिमशा आयशा का तो कोई अता पता कर, उस तक तो नहीं खबर पहुंच गई। ले उस तक कैसे नहीं पहुंचेगी? व्हाट्सएप पे तूफान मचा हुआ है, तूफान तीन जगह से तो मेरे पास आ गई 10 मिनट के अंदर अंदर। और पूरी ऑटो मार्केट में पाजी की वीडियो जो है ना, वो आइटम सॉन्ग की तरह वायरल हुई है और मुन्नी बदनाम हो गई है। नहीं अम्मी ऐसा कुछ नहीं हुआ, जहां पर आयशा है वहां पर सिग्नल नहीं है, उस तक नहीं पहुंची होगी, आप फिक्र ना करें। बेचारी हनीमून तो पाओ बर्बाद हो गया उसका पाजी की वजह से। ठीक है आपा कल सुबह पता नहीं कहाँ रह गई है, सुबह से फोन किया हुआ है वो अभी तक। ये तो आज ही साहब के लिए दवाई ले आऊं, सर में बहुत दर्द है।
बाहर ही नहीं जाने दे रही है मुझे। दवाई की शीशी और पैसे रख दो, मैं मंगवा दूं। डाइन खा देगी पाजी को। मैंने कहा ना मैं मंगवा दूंगी दवाई, तुम जाओ। मैं शर्त लगाती हूँ पाजी, इसी ने कोई चक्कर चलाया हुआ है, लूटने आई है पाजी को। और तेरे पाजी तो अपने आप को एक्सरे की मशीन कहते हैं, औरत को देखते ही आंखों से अल्ट्रासाउंड कर लेते हैं, कौन है, कहां की है, नियत क्या है, और फिर ऐसे कैसे लुटेरी को बांध के ले आए साथ। तू रहने दे पाजी को ना, ये मिनाह और रामचंद्र छोटी बच्ची है ना, ये भी ठग लेती है। अड्डे तेरे हाजी साहब सादा मिजाज, और अगर टाइम पे शादी हुई हुई थी ना तो इससे वड्डी उनकी अपनी बेटी होनी थी। अच्छा फफार भाई, वो दवाई और पैसे पड़े हैं, खड़े खड़े ला देना। ओ पापी जी ये देखो, अब ना मेरा आप लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है, मेरी बस हो गई है। हाँ आप जाने आपके सियाने जाने, हैं जिए मरे मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और तू भी सुन ले, मेरा ना आप तेरे से भी कोई ताल्लुक नहीं है, तू इधर ही मर अपने भाई के घर में, और उसकी बेइज्जतियां और नेस्तियां लेके ना मेरे घर आने की जरूरत नहीं है, इधर ही रहना है, पीछे नहीं आना। ना ना गफार, छम्मो छम्मो गफार छम्मो, नहीं मारो, रुक जा। बर्दाश्त कर लोगे ये सब कुछ? मैं तो कर रहा हूं बर्दाश्त, तुझसे नहीं हो रहा। अय हाय, मोहल्ले वाले तो ऐसे दीदे भाड़ भाड़ के देख रहे थे जैसे कुफर हो गया हमसे। हाला सकीना का सुनो, सामने ही आके खड़ी हो गई, रास्ता ही रोक दिया मेरा। कहने लगी ये तुम्हारी दोनों बहनों का कसूर है, भाई का व्याह सही टाइम पे कर दिया होता तो ये सियापा ना पड़ता। मैंने भी करारा जवाब दे दिया, मैंने कहा भाई क्या किया है मेरे वीर ने, किसकी चादर खींची, किसकी दीवार टापी है, औरत लेके आया है घर में, बस बात खत्म। बात तो ठीक ही की है वैसे उसने। हमने कौन सी कसर छोड़ी थी भाभी, एक से एक अच्छा रिश्ता दिखाया उसको, वो खुद ही ना करता रहा। चले हमारी छोड़ दें, शम्मो जो उसका सालों से इंतजार कर रही है, आज जो उसका गुस्सा था ना उसकी वजह से ही निकला। वो तो जा रही थी, उन्होंने दरवाजे पर रोक लिया, काश थोड़ी देर पहले चली जाती। मल्ले में अगर ये सारी मिठाई हमने बांट दी होती ना, ये झुकते ना सहनी पड़ती हमें। हाय हाय, मैंने तो खुद कहा था वो लड़की मैं निकाह करा देती हूँ उससे, उस वक्त तो मानना ही नहीं, मान जाता ना इतनी बेइज्जती ना होती हमारी। ऐसे मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि उस लड़की ने पाजी की आंखों पर कौन सी पट्टी बांध दी है कि उन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा, ऐसे हद नहीं कर दी पाजी ने। चलो जी, जो हो गया सो हो गया, अब सोचना ये है कि आगे क्या करना। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज नहीं आएंगे। क्या है? क्या है? जो फोन पे फोन किया जा रही है। किधर रह गए आप? इधर सब आए हुए बैठे आपका इंतजार कर रहे हैं। मैंने आके क्या बांटना जो मेरा इंतजार हो रहा है। कहियो इस तरह छुप के बैठने से क्या होगा है, लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे क्या? तो क्या मेरे गली में आगे खड़े होने से लोग खामोश हो जाएंगे? कब तक करेगा ऐसा? आ जाऊंगा मैं, आ जाऊंगा।
मैंने कहा मरना है। बंद कर दिया। बुढ़े बारे सारी जिंदगी चंगी भली सही गुजारी, जग साई। तुम किधर जा रही हो? अजय साहब का ना? नहीं, मुझे भूख नहीं है। दादा पारा ना खुद खाती है। अलमारी में बिस्किट पड़े हैं, बिस्किट खा लो। अलमारी खेटे के बाद दर्शी तेल पड़ा है, तेल तेल पड़ा थोड़ी सी खा लो। इधर बैठ, बैठ। तुम अगर मेरा खाना लेने बाहर जाओगी ना तो वो तुम्हें खा जाएंगे। कल सोम और छम्मो आई हैं पाजी। और मैंने नहीं मिलना किसी से। और कुछ चाहिए? और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, जाओ। दवा नहीं मिली, मैं चौधरी साहब को कहूंगी वो ला देंगे कहीं से। अच्छा सर, मेरी पानी। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल मलिक साहब, ठीक हो? खैरियत? बिल्कुल ठीक ठाक। और सुनाए। करम करम मलिक साहब। चौधरी साहब, मैं घर गया था, बड़ा खटखटाया, दरवाजा किसी ने खोला ही नहीं। वो घर पे है नहीं ना कोई, सारे घर वाले कहीं बाहर क्यों हैं? चौधरी साहब, ये मुश्ताक के नकाब वाली बात कन्फर्म है ना? पता नहीं मलिक साहब, मैं तो खुद अभी दुकान से आ रहा हूँ। ये कैसे हो सकता है चौधरी साहब, आपको पता ना हो? अगर आपको कन्फर्म हो ना तो मेरी तरफ से हाजी साहब को बहुत बहुत मुबारक देना, ठीक है? और शादी की चौधरी साहब पहली दावत दूल्हा दुल्हन को मेरी तरफ से, ठीक है? बिल्कुल। भला कौन सी लड़की होगी जो कार में नुकरानी बन के रहेगी? वैसे मुझे तो पाजी की खुशी अजीज है, भले वो किसी। बस बस, दुनिया में ना इज्जत से बढ़ के कोई चीज नहीं होती। खुशियों के लिए इज्जत कमी कमी लोग कुर्बान करते हैं, खानदानी लोग अपनी इज्जत के लिए सब कुछ कुर्बान करते हैं। मामी, मैंने कहा था ना कि मामी से छोड़ के चला जाएगा, उसे छोड़ के चला गया। चल 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 चल, सामान बांध, सामान बांध। एक मिनट भी नहीं रुकना मैं इस घर। क्या देख रही है, समझ में नहीं आ रहा तुझे? कपड़े बांध अभी और इसी वक्त निकलना है मैं यहां से। आए हाय कयूम, क्या हो गया है तुझे? क्या हो गया मुझे? अगर अपना सर बाहर निकाल के तो सुने, क्या दुखता लग रही है हमको?
तुम्हें नहीं सिर्फ झुकते पड़ रही, हम सारों को भी यही झुकते पड़ रही है। बुढ़ी ढाल के बैठे हो, जाओ ना अपने अपने घरों को। अरे कहाँ जाऊँ, भगवान मुझे छोड़ के चला गया। जरा सा भी ख्याल नहीं आया मुझे, सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी, हाथ मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा किसी से। गुस्सा छोड़, गुस्सा छोड़ दे। अबू क्या बात ही समझ में आती है तुझे? चल जाके कपड़े बांध, नीचे मुंह चुबा के निकल। चल क्या हो गया कयूम, तू तो आना। क्या कि क्या आना है अब्बा, क्या हूं? बैठ उधर। क्या बैठ के करने, पाजी ने तो हमें मोहल्लेदार से क्या आपस में एक दूसरे से आंखें मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा। तू उसे तो देखना, अपने आप को कमरे में बंद कर लिया, पहले कभी किया उसने ऐसे? बड़े से बड़ा स्यापा देखा मैंने, पर ऐसी मैंने उनकी हालत पहले कभी नहीं देखी। तो नहीं करना था ना ये सब कुछ, बच्चे तो नहीं थे? लेकिन दिल तो बच्चा ही है ना भाई, ये बुढ़े वेले की मोहब्बत जो है ना ये ऐसी होती है, कुछ भी नजर नहीं आता। जाकर भाईजान बिल्कुल ठीक कह रहे, गुफार भी यही बोल रहा था। भाईजान जो कहानी हमें सुना रहे हैं ना वो सच नहीं है, कहानी कुछ और ही है। एमी तो नहीं मर्दान के चक्कर लगाते थे वो रोज रोज। वाह जी वाह, क्या बात है, सबको पता था, सिर्फ हमें नहीं पता था। आशिया की शादी के दिन 10 लोगों ने मुझसे कहा, हाजी साहब का चेहरा तो चेक करो, मुंडे वाला रंग चढ़ गया है, कोई लड़की इनके लिए भी देख लो। हमारे लिए तो बाजी फरिश्ता है ना, कोई गुनाह हो ही नहीं सकता उनसे। गुनाह तो नाना बोल चमो। हाँ सही है भाभी, बिल्कुल सही है, गुनाह तो मुझसे हुआ ना, गुनाह तो हमसे हुआ है ना। किसी की बीवी को उसकी बेटी कह के सबसे मिलवाते रहे हम लोग। चुप करो, बस करो तुम लोग, गिनवाने पे आओ ना सौ सौ बातें निकलेंगी। अब सोचो करना क्या है। हमने क्या करना है, अब तो जो करना है दूसरों ने हमारे साथ करना है ना। चार कपड़े पेटी में रख के यहां से चले जाने से मसले हल हो जाएंगे? बता ना मुझे, किस किस से मुंह छुपाएगा अपना, मल्ले वालों से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से, किस किस से बोलना? यही दो रास्ते हैं आपके, या तो पाजी घर छोड़ के चले जाएं, या फिर मैं। रास्ता तो तीसरा भी है। टीचर जी, क्यों आया यहां? मना नहीं किया था तुझको मैंने? दफा हो जा यहां से, जा चला जा, दफा हो। पी मां कमाल करती हो तुम, जो थोड़ी बहुत इज्जत बची है आप चाहती है वो भी लुटा दे। वो जो पान करके दरवाजे के बाहर थे आप उनको घर के अंदर बुला रही है। हाय कयूम, बाहर वाले तो रोड़े मारेंगे ही मारेंगे, कार में भी एक दूसरे के बाल नोचे क्या? तो ना आप लोगों का क्या ख्याल है कि गफार को मैं बुलाऊंगी वो खुशी खुशी आएगा, भंगड़े डालेगा पाजी की शादी पे और मुझे मोटरसाइकिल पे बिठा के वापस ले जाएगा? हाँ हाय हाय छम्मो, तुझे तो हर वक्त अपनी पड़ी रहती है। अबा तू तो रहने ही दे, मुझे पता है यहाँ पर किसको किसकी पड़ी हुई है। हाँ पाजी का वलीमा आप किस लिए करवा रही है मुझे पता है, जाकिर भाई की वजह से ना केटरिंग का ठेका मिलेगा इनके छोटे भाई को। वाह जी वाह, बहुत अच्छे। इसकी ना सुनो, बकवास करती रहती है हर वक्त। वैसे इसमें बुराई क्या है, जैसी लड़की हम ढूंढ रहे थे वो खुद चल के घर आ गई, तो यही तो मैं कह रही हूँ, भला कौन सी लड़की होगी जो कार में नुकरानी बन के रहेगी। ठीक है भाई ठीक है, आप लोगों से सर पे चढ़ा के बैठाना चाहते ना तो बैठा ले, वो तो बैठ ही जाएगी। और वैसे भी इतनी बिस्ती के बाद आप लोग उसे बैंड बाजे के साथ इस घर में लाना चाहते हैं, देख लेना ठंडे में रखेगी आप सब लोगों को वो। वैसे मुझे तो पाजी की खुशी अजीज है, भले वो किसी बस दुनिया में ना जैसे बढ़ के कोई चीज नहीं होती,
खुशियों के लिए इज्जत कमी कमी लोग कुर्बान करते हैं, खानदानी लोग अपनी इज्जत के लिए सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। औरत ने ना औरत की मत मारी जाती है, पढ़ी लिखी हो या जाहिल, उसी से प्यार करती जिससे सोटियां खाती, धोखा दिया, बेवफाई की, बेइज्जती की, अपने इंतजार में आपके बाल चिट्टे करवा के जवान लड़की से ब्याह कर लिया। जो कुछ उसने किया ना उसका जवाब में यही कुछ बनता था, बल्कि इससे भी ज्यादा। उसने तो कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया मुश्ताक ने, जो कुछ भी किया मैंने खुद अपने साथ किया। मैंने आपको धोखा दिया, खुद अपने आप से झूठ बोला, मैंने आपसे बेवफाई की, तबीयत भी अपनी आप पे ही रही। कोई ना, जिससे सोटियां खाती है उसी से प्यार करती है। अब ये किसी और से कहती ना तो ठीक था, मैं तो चश्मदीद गवाऊं, उसका हंसना आपके पहलू से, उसका रोना आपके गोद में, प्यास में पानी आपके घड़े से, नवाला आपके हाथ से, यहां से उसकी दुकान तक टिफिन कौन लेके जाता रहा, मैं चाय लस्सी जुशांदा थर्मोस के थर्मोस कौन लेके जाता रहा, मैं लेके जाता रहा, और आप कह रही उसने धोखा नहीं दिया। सब कुछ सांझा था ना, सब कुछ समझा, दुख दर्द खुशी गम भूख प्यास सर्दी गर्मी, इतने से थे तब से। तो फिर किसका हक बनता था, सबगानी लड़की का या आपका? बनता तो मेरा ही था। तो फिर मनते करता था वो मेरी कि मैं किसी और से ब्याह कर लेना था, जैसे कर लेती जब कोई और जचता ही नहीं था, किसी और पे नजर ही नहीं टिकती थी। जब कोई रिश्ता आता था ना मेरा तो तरले डालता था मेरे, कहता था शमीम कर ले ब्याह, खुद रिश्ते ढूंढ ढूंढ के लाया करता था, ऐसे ऐसे रिश्ते पढ़े लिखे कमाऊ गबरू, पर मैं नहीं मानती थी, कैसे मान लेती। मुश्ताक का मेरे कौन था जो उसके अपने थे, उसे खाने वाले नोचने वाले उस पर पलने वाले, मैं तो यही सोचती थी ना कि कोई तो होनी चाहिए जो उसे संभाल ले उसका ख्याल रखे। अब आगे ना उसे संभालने में उसका ख्याल रखने में, अब आप क्या करेंगे? चली जाऊंगी। कैसे जाएंगे आप? अपने माँ के पास। अबूजी, अबूजी, अबूजी उठे ना। अबूजी वो बड़े अब्बा, बड़े अब्बा, वो बड़े अब्बा घर छोड़ के चले गए। बड़े अब्बा घर छोड़ के चले गए जी, उठे ना। अस्सलाम वालेकुम। तू कहां से आ गई? अभी भी पहुंची मम्मी, सीधी एयरपोर्ट से आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम पप्पो। पप्पो अब्बा जी कहाँ हैं? क्यों है? सामान सब कुछ तो इधर ही पड़ा है,
अरे क्या लेके जाना था मेरे वीर ने, सब कुछ इधर ही छोड़ के चला गया। बांटो आपस में अब। आप जाए ना, बाहर जाके देखे, अभी दूर नहीं गए होंगे। तुम में से किसी ने रोका नहीं उन्हें? तो मैं क्या करती, मैं बाहर कपड़े धो रही थी, ये दोनों टीवी के आगे बैठ के नाश्ता कर रही थी, मैं आवाजें देती रह गई, सुनाई नहीं, निकल गए। बस रहने दे भाभी, टीवी की आवाज नहीं ऊंची नहीं थी, और हमें क्या पता कि आप क्यों आवाजें लगा रही थी। अब यहाँ खड़े बातें करते रहोगे कि जाओगे भी, ढूंढोगे भी उसे। गुड्डू, गुड्डू आए, गुड्डू। बस करें, क्यों आवाजें दे रहे, सोया पड़ा है, उठने में भी आधा घंटा लगाएगा। तो मुझे क्या बता रही है, जाके जगाओ उसे। हद करते हैं आप, भला बच्चे के कहने पे वो वापस आएंगे। और मुझे बता के थोड़ी गया था वो। तेरी वजह से गया मेरा वीर कार से। हाँ जी, मेरी वजह से छोड़ के गया वो। ये जो पेट्रोल महंगा हुआ है, ये भी मैंने किया है, हैं? महंगाई भी मैंने बढ़ाई है, हिरोशिमा में बम भी मैंने गिराया था। पहले कम बेइज्जती हुई है, जब एक नया तमाशा। पता नहीं कितने होगा मेरा वीर। फोन में चढ़ गया। पाजी का फोन तो ये पड़ा है। जा, जा मल्ले में जा, बता उनको तूने उसकी बेइज्जती कर दी है, इसलिए कि वो बेगैरत था। तेरी बड़ी इज्जत हो जाएगी, जा ना। भाई आप सारा मलबा मुझ पे क्यों डाल रही है? उस अखबानी ने तुझको मैं खरीद के लाया था। ओए मेरे रब्बा। इस कार में मेरे वीर की जान जाने दे। जनाजे की तरह निकल के चला गया मेरे वीर। बस कर दो, हाँ बस कर दो। ओ मेरे रब्बा, किसको सुना? अब लैसल लज़ी खलक समवाती वल अर्द बिकद्री वला यखलुका मिस्लहुम बला वहुवल खल्कुल ललीम इन्नमा अम्रुहु इज़ा इरादा शैयुन यकूल लहु कुन फैयकून فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. क्या बोल रही है माँ? देख मुश्ताक, मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं तो मिठाई लेकर आई थी। मुझे इस कब्र वाली की कसम है, जिसने मुझे बेटियों की तरह प्यार किया, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। जो कुछ भी हुआ, मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा हो। मैं तो सिर्फ गिला करने के लिए आई थी। फिर उसके बाद जो भी हुआ ना, सब उस बगैरत ने किया है। उसे वैर था ना तुझसे, तूने नाक रगड़वाई थी उसकी, तो बदला तो लेना था ना उसने। मेरा यकीन कर मुश्ताक, उसे तो माफ कर दिया मैंने। लेकिन तुझे जिंदगी भर नहीं करूंगा। चल बाहर बिना। पता था मुझे आप अम्मा से मिलने आए, से मिले बगैर आप कहीं नहीं जाते। मेरा मुश्ता, सारी जिंदगी कुर्बानियां देता ही नजर आया।
बांटता ही नजर आया। आपा चुप कर जाओ। पाजी चुप करवाए। और बंद कर दे आपा ये पटोके, कोई खुदा ना खास्ता मर तो नहीं गया यहाँ पे? मरा ही समझो उसे, अब नहीं आएगा वो। अब नहीं आएगा। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। अस्सलाम वालेकुम। तू कैसे आ गई? अभी भी पहुंची मम्मी, सीधी एयरपोर्ट से आ रही हूँ। अपा जी कहाँ हैं? अरे जिसकी आंखों की तो ठंडक थी वो कार छोड़ के चला गया। तो कहाँ है? वादा किया था मुझसे आपने मेरी रुखसती वाले दिन, और आप तोड़ने जा रहे थे वादा, लेके जा रहे थे ना बर्बीना को यहाँ से। नहीं तो फिर? मैं तो अम्मा से मिलने आया था, पूछने आया था उनसे कि क्या करूं। मिला कोई जवाब? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जाहिर है वो आपके साथ साथ बाकियों की भी अम्मा है, दूसरों का भी ख्याल करना पड़ता है उनको। कभी नहीं चाहेंगी कि आप उनके बच्चों को छोड़कर चले जाएं। इससे बड़ी बेइज्जती होगी उनकी, अजाब पड़ जाएगा उन पे, जीना मुश्किल हो जाएगा उनका। जीना अब भी मुश्किल है अब्बा जी, एक दफा चल के देखे तो सही उनकी हालत क्या है, बच्चों की तरह रो रहे हैं बिलक बिलक। अम्मी पप्पा अब्बू देखो कौन आए। पाजी पाजी सलाम पाजी। मिल मिल पन पाजी आ गए ना। कहाँ चले गए थे आप? चल चल चल। कोई अपने बच्चों के साथ भी ऐसे करता जिसे आपने किया? क्या करना चाहिए बताओ, क्या करें फिर जब माँ बाप अपने बच्चों से शर्मिंदा हों? तो फिर यही करना चाहिए, मुंह छुपा के अपने घर से निकल जाना चाहिए। शायद इसी से कुछ बेहतरी पैदा हो जाए। बेहतरी कैसी पाजी, सर से छांव छिन जाए तो फिर तो धूप ही धूप है। अब्बा जी की वफात के बाद आप ही का साया तो रहा है मेरे सर पर, कि कमी कभी आपने महसूस भी नहीं होने दी। सोच लो फिर। ऐसे तो बड़े मसले पैदा हो जाएंगे तुम लोगों के लिए, अच्छी तरह सोच लो। लोगों को बोलने दे पाजी, पहुंच पहुंच के थक जाएंगे। कुछ होगा तू भी कुछ बोलना। मैं क्या बोलूं आपा, पाजी बड़े हैं अच्छी तरह जानते हैं, इनके चले जाने से कौन सा लोगों की जुबानें बंद हो जानी बल्कि और खुल जानी। मैं तो कहता हूं जो हुआ सो हुआ, जो होना था वो हो गया, अब हम सब ने मिलकर मुकाबला करना इन हालात का। शाबाश, शुक्र है रात की बात समझाई हुई तुझे, अब समझ में आ ही गई आखिरकार सुबह। जाओ चम्मो। बस कर चम्मो बस कर, जब से तेरी शादी की है ना
तब से तू रोई जा रही है, बस कर दे। फिकर न कर, समझा दूंगा उसे। पांपड़ की तरह चलता है, उसके बाद ठंडा होके बैठ जा। अच्छा रोना बंद कर, समझा दूंगा। ना पुत्र ना, गफार भट्ट के साथ ये चलाकियां नहीं करनी। हाँ, और मैं एक मील की दूरी से बता देता हूँ कि गड्डी जेन्युइन है या काबुली है। हाँ, शराफत से तू पैसे ले आ और अपनी गड्डी वापस ले जा, वरना जिम्मेदारी तेरी है फिर। खुदा हाफिज। ना खुदा हाफिज। आपके ससुरालियों ने भी ना कुछ ऐसा ही सौदा किया है मेरे साथ, एकदम कंडम गड्डी, ऊपर से रंग रोगन एकदम बराबर, अंदर मशीनरी फारे। इंसानों के लिए ऐसे नहीं कहते हैं, वो सिर्फ अल्लाह को पता होता है कि बंदे में क्या है। अब तो चल गया ना पता बंदे को, अब क्यों थोप रहे हैं मेरे सर पे। रिश्ता रिश्ता होता है मेरी जान, सौदा तो नहीं होता ना। भैया ना उनके लिए ना सौदा ही है, वो अपने लिए जनानियां खरीद के लाते हैं और अपनी बहनों के लिए मर्द। आप माने ना माने, मैं मानता हूँ कि मैंने 10 मरले के प्लाट पे अपने आप को बेच दिया, आपका पता नहीं। खैर मैंने तो कुछ भी नहीं मांगा था, उन्होंने जो भी दिया उसी से अपनी बहन को दिया है। ओए आपके तो बच्चे हो गए ना हैं, इसलिए आपका छोटा एहसान रखा है। यार वो एक फकीर दरवेश इंसान है, उसने तो उन लोगों को दुकानें बना के दी है जिससे उनका कोई रिश्ता ही नहीं है। ना 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 ना, पहले मैं भी यही समझता था, पर अब मेरी आंखें खुल गई हैं। जिस चीज से तेरी आंखें खुली है ना, वो भी एक एहसान है जिसको वो भुगत रहा है। तो भुगत रहा है तो भुगते हैं, मेरा क्या लेना देना, मेरी क्यों बेस्ती खराब होती है। तो बेस्ती वाली कौन सी बात है? है बेस्ती वाली बात, बेस्ती वाली बात है। तभी तो उसका पाई जो है वो 2 दिन से दुकान पे नहीं आया, घर में बैठा है मुंह छुपा के। वो मसला हल हो गया, वो उसको मान लिया है हमने लड़की को, और अब कुछ दिनों में उसका फंक्शन वगैरह भी हम करने लगे। अच्छा बीवी बनाने का फंक्शन हो रहा है और उसी का दावतनामा लेकर आप यहाँ आए बैठे हैं। पर भैयान ये वाले चावल जो है ना, ये आपके हलक से नीचे उतर सकते हैं, मेरे हलक से नहीं उतरने के। मौलवी नुमान भट्ट का पोता हूँ मैं, धोबियों का पोता नहीं हूँ। मेरी बात सुने, आप ना हाजी मुश्ताक साहब से कह दें कि अपनी पैन के लिए भी ना कोई अफगानी कर लें, मेरी तरफ से फारिग है वो। हाँ यार गफार, आराम से बात सुन यार। गफार जी आया बॉस। मैं फिर बाद में बात करता हूँ, नाराज होते हैं वो, कहते हैं ऐसे बैठ के बातें करते रहते, चाय पी के जाना वो। जी बॉस। तुम्हें देखा तो यूं देखा, मुसव्विर हो गई आंखें, तुम्हें सोचा तो यूं सोचा, तस्वुर हो गई आंखें।